हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले आईसीएमआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हर सीएमए फाउंडेशन फाइनल या इंटरमीडिएट तीनों स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अपडेट बताऊँ उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन उस पर प्रेस कर देना ताकि सीएमए एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अपडेट या नोट्स आप उसे मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। अगेन बता रहा हूँ, सीएमए फाउंडेशन फाइनल और इंटरमीडिएट तीनों स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखना। आपको अपडेट चेक करने के लिए आईसीएमआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, स्टूडेंट वाला सेक्शन मिल जाएगा, स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप स्टूडेंट के सेक्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद थोड़ा सा इधर राइट साइड में आना। राइट साइड में आने के बाद स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल करके आपको सेक्शन मिल जाएगा, स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल पर क्लिक कर देना। जैसे आप स्टूडेंट्स कनेक्ट पोर्टल पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में आपको मिलेगा सीएमए स्टूडेंट्स ई बुलेटिन। आईसीएमआई ने सीएमए स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ई बुलेटिन लॉन्च कर दिया है जो कि हर सीएमए स्टूडेंट्स लाइक अगर आप सीएमए फाउंडेशन का हो, फाइनल का हो या इंटरमीडिएट का हो, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेट अ सेकेंड, ई बुलेटिन जो पॉइंट नंबर 10 है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, बाय डिफॉल्ट मैंने किसी और पर क्लिक कर दिया। देख सकते हैं न्यू अप्रैल 2022 का आईसीएमआई ने इशू कर दिया है ई बुलेटिन। यहाँ पे सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल तीनों का लॉन्च हो चुका है। अब सर ई बुलेटिन क्या होता है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इन डीप बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं जो जून 2022 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, इनकेस आपका जितना भी स्टडी मटेरियल का बुक्स हो, जो स्टडी मटेरियल है वो सब पढ़ के हो गया है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हो गया है, तो आप एक बार अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ई बुलेटिन जरूर अटेम्प्ट कर लेना। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। इनकेस अगर आपको चाहिए रहा हुआ तो ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना, वहाँ पर मैं इसे शेयर कर दूँगा। ये देख सकते हैं गाइस, आप ये सी ए फाउंडेशन का है, सॉरी सी एम ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का ई बुलेटिन है। अब इसमें अगर आपको ओपन करके दिखाओ इन डीप में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, जितने भी आपके सब सब्जेक्ट इसी में मिल जाएंगे गाइस, देख सकते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक बार दिखा देता आपको। पेपर नंबर 1 फाउंडेशन का जो है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसे FEM कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं MCQs, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट MCQs दिए गए यहाँ पे बहुत सारे इसमें, आप इसके थ्रू एक बार स्टडी करना। और अगर आप स्टडी कर चुके प्रीवियस, मीन्स की स्टडी मटेरियल आपका पढ़ के हो चुका है, तो सारा इसी से आपको रिवीजन करना होगा। सर कंपलसरी है क्या? कोई कंपलसरी नहीं, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप इसे करते हैं, आपके मार्क्स जो भी होंगे एग्ज़ाम में जून 2022 में मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। सीएमए स्टूडेंट्स, इनकेस अगर आप सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं और आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा, तो ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना। आज मैं सीएमए फाउंडेशन फाइनल और इंटरमीडिएट तीनों का ई बुलेटिन जो भी होगा ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना चैनल पे। वहीं पे कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर अर्जेंट अनाउंसमेंट मिलता है, कि रात को मिलता होगा, तो वो अपडेट जो है रात को आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं। बाद में उससे रिगार्डिंग जो भी टॉपिक होगा, वीडियो होगा, वो शेयर कर देता आपको। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स आप भी इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करना, नहीं तो ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।